गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था एंड उसमें मैंने पूछा था कि मॉनसून में आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस लेना पसंद है। तब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ट्रैकिंग सिलेक्ट किया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ट्रैकिंग पर एक वीडियो बनाया जाए। मैंने भी बहुत सारा ट्रैकिंग किया है, महाराष्ट्र के कुछ फोर्ट्स पर मैं गई हूँ लाइक कलसुबाई, लोहागढ़, विसापुर, बट वो सब लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन में 2 to 3 years का गैप हुआ एंड अभी उसके बाद मैं ट्रैकिंग करने वाली हूँ। तो मैंने बहुत ही सिंपल ट्रैक सिलेक्ट किया है जिसका नाम है करनाला फोर्ट। करनाला बर्ड सेंचुरी में पहले भी जा चुकी हूँ एंड उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो मैंने उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, आप वो देख सकते हो। वो टाइम भी मुझे फोर्ट पे जाने नहीं मिला बिकॉज फोर्ट का टाइमिंग होता है 1 PM तक, 1 PM के बाद ऊपर चढ़ने नहीं देते एंड मैं उसके बाद गई थी। ऑल्सो मैं अपने प्राइवेट व्हीकल से वहाँ पर गई थी। तो इस बार मैं जाने वाली हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करनाला फोर्ट पर। तो अगर आप भी करनाला फोर्ट जाना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं इसमें करनाला फोर्ट कैसे जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि, एंड मेरा खुद का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं करनाला फोर्ट पर। तो सबसे पहले तो आप अर्ली मॉर्निंग जाना, आपको वडाला, CSMT, दादर, थाने, कहीं से भी ट्रेन पकड़कर पनवेल रेलवे स्टेशन पहुंचना है एंड देन पनवेल रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको वहां से एग्जिट लेना है। एग्जिट लेते ही वहां पर रिक्शा स्टैंड है तो आप रिक्शा से भी जा सकते हो, 50 rupees पर सीट चार्जेस लेते हैं वो। एंड इफ अगर आप ST से जाना चाहते हो तो वो भी 1 kilometer के डिस्टेंस पर ही है ST डेपो, वहां से आप कोई भी अलीबाग या फिर पेन जाने वाली ST जो है वो पकड़ सकते हो। पनवेल रेलवे स्टेशन टू करनाला बर्ड सेंचुरी का मेन गेट पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं। सो करनाला बर्ड सेंचुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको वहां पर एंट्री टिकट लेनी है। पर पर्सन एंट्री चार्जेस है 60 rupees एंड फॉर किड्स इट्स 30 rupees। एंड अगर आप वहाँ पर आपका प्राइवेट व्हीकल देन कैमरा वगैरह लेके जाते हो तो उसके अलग से चार्जेस हैं यहाँ पर। एंड आफ्टर एंट्री टिकट यहाँ पर बैग चेकिंग भी होता है। बैग चेकिंग में वो चेक कर दे कि आपके बैग में कितना प्लास्टिक है, एज ऊपर कहीं पर भी कचरा या फिर प्लास्टिक वगैरह डालना अलाउड नहीं है। तो वो लिख के रखते कि आपके बैग में कितना प्लास्टिक है, देन रिटर्न आने के बाद उनको वापस वो दिखाना होता है। आफ्टर बैग चेकिंग एंड ऑल एंट्री करते ही सबसे पहले है करनाला बर्ड सेंचुरी, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ करनाला फोर्ट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फोर्ट पर जाने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन है, वहाँ पर आप आपका ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पूरे फोर्ट पर आपको कहीं पर भी पानी, फूड, स्नैक्स कुछ भी नहीं मिलेगा। नॉर्मली अगर आप फोर्ट्स पर जाते हो तो वहाँ पर नींबू पानी स्टॉल वगैरह होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको ऊपर चढ़ने से पहले इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, स्नैक्स, फूड, आपका जो भी है वो बैग में कैरी करना है, उसके बाद ही ट्रैक स्टार्ट करना है। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड ऑल करने के बाद मैंने मेरा ट्रैक जो है वो स्टार्ट किया। एज ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है लॉकडाउन के बाद, तो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। ट्रैक स्टार्ट करते ही बहुत बारिश भी हो रही थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट वो एक्साइटमेंट थोड़ी देर बाद ही कम हुई बिकॉज ये जो ट्रैक है वो ईजी है बट स्टार्टिंग का इसका जो पैच है वो बहुत ही स्टीप है। आपको रॉकी पैच से ऊपर चढ़ना होता है एंड ऊपर चढ़ने के बाद थोड़ी देर में वहाँ पर एक झरना आएगा। तो कुछ लोग ये झरने तक ही ट्रैक करते हैं एंड कुछ लोग जो है वो पूरा कंप्लीट ट्रैक करते हैं। तो ये स्टार्टिंग का डिफिकल्ट वाला पैच कंप्लीट करने के बाद आप पहुंच जाओगे फर्स्ट माउंटेन के टॉप पे। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट माउंटेन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो ट्रैक है वो कंप्लीट करने के लिए आपको 2 माउंटेन क्रॉस करके थर्ड माउंटेन पर करनाला फोर्ट है वहां तक जाना होता है। तो टोटल 3 माउंटेन्स आपको क्लाइंब करने होते हैं। एज ये 3 different माउंटेन्स है तो आपको यहाँ पर 2 type के रूट्स मिलेंगे। एक जो है जहाँ पर आपको बहुत ही स्टीप चढ़ना होता है एंड बीच बीच में आपका रोड जो है वो पूरा स्ट्रेट होगा। तो बीच बीच में रुक के एंड धीरे धीरे चढ़ते हुए जैसे ही मैं सेकेंड माउंटेन के टॉप पे पहुंची, वहां से आपको करनाला फोर्ट का जो थम्सअप पॉइंट है वो दिखाई देता है। एंड जैसे ही वो थम्सअप पॉइंट करनाला का दिखाई दिया, मेरी गई हुई एक्साइटमेंट जो है वो वापस आ गई एंड मैंने फिर से वो चढ़ना स्टार्ट किया। तो ये जो थर्ड माउंटेन है करनाला फोर्ट का, वहाँ पर प्रॉपर स्टोन के स्टेप्स है बट वो बीच बीच में टूट गए हैं एंड ऑल्सो बहुत ही स्टीप है, एक साइड में रेलिंग लगा है तो वो रेलिंग की हेल्प से आपको ऊपर तक चढ़ना है। तो ये जो
जो लास्ट का रेलिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रश हो जाता है एंड बहुत क्राउडेड होता है ये प्लेस। तो अगर आप ये सब क्राउड अवॉइड करना चाहते हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आपका ट्रैक जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें। तो धीरे धीरे ये रेलिंग वाला पार्ट चढ़ने के बाद आप करनाला फोर्ट के टॉप पर पहुंच जाओगे एंड टॉप पर पहुंचते यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको बड़ा सा पनवेल सिटी, देन मेन रोड एंड हर जगह पर ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देगा। तो इतना सुंदर व्यू देखने के लिए जो भी डिफिकल्ट वाला पार्ट में चढ़ के आई वो पूरा का पूरा वर्थ था। तो इस व्यू के साथ अगर आप थोड़ा और आगे आगे जाओगे तो इस फोर्ट के टॉप पर वाटर स्टोरेज टैंक्स है जो कि बहुत पहले से, जब ये फोर्ट बना था वो टाइम के है, तो लगभग कुछ 600 इयर्स पुराने ये वाटर स्टोरेज टैंक्स है। एंड यहाँ का जो पानी है वो अच्छा नहीं है, पीने लायक नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पूरे फोर्ट पर आपको कहीं पर भी ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नहीं मिलेगा, वो आपको खुद को ही कैरी करना है। तो थोड़ा टाइम इस फोर्ट के टॉप पर स्पेंड करने के बाद मैंने नीचे उतरना स्टार्ट किया। सो गाइज, ये था करनाला फोर्ट और उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एंड मेरा 3 इयर्स के बाद का एक्सपीरियंस जो कि एकदम बेस्ट था। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग था। अगर आप भी यहाँ पर जाना चाहते हो तो ज़रूर जाए, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताया कि आपको वाटर देन फूड स्नैक्स जो भी है वो आपके साथ कैरी करना है एंड प्रॉपर शूज़ पहनना है। तो उसी के साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। मैं और ऐसे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी एंड जो भी आपको डाउट होगा वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर पूछना। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।